चलिए चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री हम लोग चालू कर रहे हैं। लिखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ nature of surface and the changes occurring at the surface. इसमें हम लोग अपना मेन जो टॉपिक लेंगे, दैट वर्ड इज एडसॉर्प्शन। ए बी नहीं है, इट इज ए डी, एडसॉर्प्शन। थियरी चैप्टर है, बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा समझना पड़ेगा, डेफिनेटली लर्न भी करना ही है जब लिखोगे तो। सबसे पहले यही वर्ड कि व्हाट इज एडसॉर्प्शन। अपन लोग एक वर्ड पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन, जैसे अपन ने एक क्लॉथ लिया और पानी इस पर डाला तो पानी जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। लिख नहीं रहे अपन, खाली अभी समझ रहे, एब्जॉर्प्शन, पानी अंदर गया तो इसके अंदर का जो फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और एडसॉर्प्शन, अगर अपन ने अभी कोई धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। तो जो भी सरफेस पर रहेगा, सरफेस फिनोमिना होगा, दैट इज एडसॉर्प्शन। और जो भी बल्क के अंदर जाने वाला है, बल्क फिनोमिना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक, नॉर्मल वर्ड में जब हम लोग एब्जॉर्प्शन बात करते हैं या किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक था सॉल्यूट और एक वर्ड था सॉल्वेंट। जो डिसॉल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, और जो बन गया वो कहलाएगा सॉल्यूशन। यहां पर हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। जैसे यहां पर था सॉल्वेंट, वो हो जाएगा एडसॉर्बेंट, और यहां पर सॉल्यूट, वो हो जाएगा एडसॉर्बेट। ठीक, जो भी सॉलिड सब्सटेंस हम लोग लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट। जो सरफेस पर एडसॉर्ब होने वाला है, जो एडसॉर्ब होगा उसे क्या नाम देंगे, एडसॉर्बेंट, और जो करेगा उसे नाम देंगे एडसॉर्ब। सिंपल सा, क्योंकि तो हमेशा कंफ्यूजन इसमें रहता ही रहता है, हमेशा ये लगेगा कि अरे बाप रे हम तो भूल गए, तो कैसा करने का कि यहाँ पे वर्ड है सॉल्वेंट, कौन होता है जो डिसॉल्व करता है, तो यहाँ पर भी वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडसॉर्बेंट। बस इन दो से कंपेयर करने का, यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे एडसॉर्बेंट। ठीक, दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा, ये सॉल्यूट है तो बोले ये एडसॉर्बेंट, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको इससे कंपेयर करके चलिए, आपका काम रहेगा। कहां पर काम आता है, हम जब भी एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि दिमाग में यही आना चाहिए कि भाई एडसॉर्प्शन क्यों पढ़ रहा है, या हम जो ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला और मेन काम जो होता है उसका, वो है एज अ कैटलिस्ट। बहुत सारी रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं निकल इज अ कैटलिस्ट, पैलेडियम इज अ कैटलिस्ट, प्लैटिनम इज अ कैटलिस्ट। उन सब कैटलिस्ट के अंदर मेन जो पार्ट है, मैं अभी सिर्फ आपको थ्योरी समझा रहे हूँ, लिखने का काम हम बाद में करेंगे, टाइप्स वगैरह हम बाद में लिखेंगे। जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने हाइड्रोजिनेशन किया, तो हाइड्रोजिनेशन के लिए हमने यहाँ पे ले लिया निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वो क्या काम करता है, ये हाइड्रोजन को क्या करता है,
एच 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 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, सब एच 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 के फॉर्म में उसने अपने सरफेस पर क्या करा, एडसॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही अब ये आएगा, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए बोले ले जाओ, इसको भी एक हाइड्रोजन चाहिए बोले ले जाओ, तो हमने क्या बोला, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर निकल नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, फिर हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती कि ये हाइड्रोजन जो है ये ब्रेक डाउन हो और फिर टूट के एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाए। तो या तो हम उसे एनर्जी दें या हम उसे कैटलिस्ट दें। कैटलिस्ट इज नेवर यूज्ड अप इन द रिएक्शन, इसलिए वापिस से अगली बार काम आ जाएगा। अगर यही चीज हम एनर्जी देकर करते तो एक बार एनर्जी दी, हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हो गया, फिर अगली बार के लिए फिर एनर्जी दो, तो खर्चा ज्यादा होगा। खर्चा कम करने के लिए, एक्सपेंसेस कम करने के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली और ज्यादा होगा, इसके लिए हम लोग यूज करना पसंद करते हैं एक कैटलिस्ट। तो एडसॉर्प्शन, हाइड्रोजन जो है उसके सरफेस पर एडसॉर्ब हो गया। उसके अलावा हम लोग चारकोल को यूज करते हैं। चारकोल जो है इट एडसॉर्ब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां पर सच में कोई पॉल्यूशन कम करना चाहता है। सच में इसलिए कि इंडस्ट्री वाले इनको छोड़ देते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है हो जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, वहां पर ऐसे रूल्स हो कि इस तरीके से आप नहीं बाहर की तरफ छोड़ सकते कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वहां पर क्या किया जाता है, चारकोल बहुत ज्यादा अमाउंट में रखा जाता है। तो चारकोल क्या करेगा, इट एडसॉर्ब्स, क्या करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको अपने सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेगा, अमोनिया है उसे अपने सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेगा। तो चारकोल एडसॉर्ब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनस गैसेस ऑन इट्स सरफेस और इससे पॉल्यूशन का रेट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। दूसरा होता है कि इट एब्जॉर्ब सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिकेशन है कि एनिमल चारकोल इज शेकन विद, कौन सा चारकोल, हाँ नॉर्मल चारकोल नहीं है, वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, कल मैं आपको लिखवाऊंगी इसका, ये कि एनिमल चारकोल के सरफेस पर जब ऑर्गेनिक डाई हम लोग डाल देंगे तो द डाई बिकम्स कलरलेस, उसका जो कलर है वो कलर के जितने भी पिगमेंट्स थे दे गए एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस एनिमल चारकोल और वो जो पूरा पार्ट का डाई का इट बिकम्स कलरलेस, तो वो अगेन एडसॉर्प्शन। अब नेचुरल सी बात है कि चारकोल की बारी आएगी और हम वर्ड यूज करें एनिमल चारकोल तो पूछने में भी आएगा कि एनिमल चारकोल क्या होता है। तो एनिमल चारकोल इट इज प्रिपेयर्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ, नेचुरल सी बात है, बोन्स ऑफ एनिमल्स इन अ क्लोज्ड वेसल। कैल्सिनेशन करना किसे बोलते हैं, ये अपन अपना हाँ टेंथ में पढ़ा है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, और एब्सेंस या लेस अमाउंट में अगर हम हीट करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्लोज्ड वेसल है उसमें जो भी बोन्स वगैरह है उनका कैल्सिनेशन किया जाता है। इस तरह से क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, एनिमल चारकोल। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है विच इज कॉल्ड एज ब्लड चारकोल, कौन सा चारकोल, ब्लड चारकोल। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन या इवेपोरेटिंग ब्लड इन प्रेजेंस ऑफ K2CO3, ये कल मैं लिखवा दूंगे, पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हम ब्लड को क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद उसे थोड़ा सा इग्निशन देते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास कराई जाती है और फिर उसके अंदर जो भी रेसिड्यू बच रहा है उसको वाटर और HCl के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड चारकोल। तो अलग अलग तरह के चारकोल होते हैं, अपन जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं चारकोल वो क्या होता है, अपन जो वर्ड चारकोल यूज कर रहे हैं ये तो मैंने स्पेसिफिक बता दिया, वुड का प्लांट्स का ये जो पार्ट होते हैं इनके रिमेन से जो बनता है डेट इज कॉल्ड एज चारकोल।
तो जनरल वर्ड जब हम चारकोल बनते हैं वो कोल वुड इन चीजों से बनता है, स्पेसिफिकेशन इज एनिमल एंड ब्लड चारकोल। तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।